कश्मीर फाइल्स के बाद फिर से बहुत ज्यादा चर्चे में रहने वाली सेंसिटिव इशू पे बनी हुई एक मूवी आ चुकी है। नाम है द केरला स्टोरी। फिल्म की स्टोरी है एक ऐसे लड़की की जो बाहर के कॉलेज में नर्सिंग पढ़ने के लिए एक हॉस्टल में जाने के बाद कैसे ब्रेन वॉश होके शालिनी से फतिमा बनती है और फिर ISIS में ज्वाइन होके फिर से शालिनी बनने का जो सर्वाइवल जर्नी है उसको दिखाया गया है। स्टोरी बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव है, तो इसको फिल्म के नजरिए से देखते हुए इसके ऊपर अगर बात करें तो मूवी कुछ सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है। रोंगटे खड़े करने वाले इसके ब्रूटल सीन्स और इसकी एक एक डायलॉग से जो आपको बहुत ही इमोशनल कर सकती है, गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन फिल्म का स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ही वीक लगा। जैसे कि फिल्म का मेन कैरेक्टर शालिनी को कितनी आसानी से ब्रेन वॉश होते हुए दिखाया गया है, जिसमें उसकी कोई खुद की इंटेलिजेंस को दिखाया नहीं गया, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में डम लगता है। फिल्म में गाने बहुत ही कम है, शायद एक दो ही है जो स्टोरी में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कभी कभी इस फिल्म के कैरेक्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करके आपके तरफ देख के डायरेक्ट डायलॉग बोलते हुए दिखाया गया है, जो बहुत बार आपको और भी इमोशनल करेगी। फिल्म का इशू इसका स्लो पेस है, जो फिल्म को कई बार धीमा फील करा देती है। परफॉर्मेंस सिर्फ इसका लीड एक्ट्रेस आदर्श शर्मा की बढ़िया था, ऐसे सब्जेक्टिव मूवी में सभी साइड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए था। फिल्म पूरी 18 प्लस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रूटलिटी, खून खराबा और कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स है जो सिर्फ बड़े को ही जाके देखनी चाहिए। ओवरऑल द केरला स्टोरी मूवी अपने मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर करती है, जो एंजॉय करने वाली मूवी तो नहीं है लेकिन एक बार देखने वाली मूवी जरूर है। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।